अभी कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिकेट का है, तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि इंडिया में क्रिकेट कितना पसंद किया जाता है हम सबको पता है। सो मज़े हैं एक्चुअली। और आप एक बेहतरीन सिंगर हैं, क्रिकेट कभी किसी लेवल पे खेला है, किसी लेवल पे या किसी? नहीं मतलब मैंने मोहल्ले में होता ना जो खेलते हैं रोड पे, वो ज़रूर खेला हुआ है और बहुत मज़ा आता था। अपने हम सबके घर के आसपास पार्क होते हैं जहाँ बच्चे खेलने जाते हैं, तो वहाँ तक खेला हुआ मैंने, उसके आगे नहीं खेला। मैं तो नितिन जी बहुत ही घरेलू रिश्ते हैं मेरे उनके साथ, और लखनऊ नवाब की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैं ऑफकोर्स सपोर्ट करने आया हूँ टीम को। एक्चुअली बहुत खुशी है और प्राउड मोमेंट शायद पेरेंट्स के लिए होता है, माँ बाप बहुत खुश होते हैं अगर घर का बच्चा कोई भी यू नो कहीं पे भी पहुँचे। तो मेरे लिए एक खुशी की बात थी कि फिल्म फेयर मुझे मिला, लेकिन एक बहुत स्पेशल बात इसमें ये थी कि मेरी हैट्रिक है, तो 3 साल कंटिन्यू मैंने फिल्म फेयर किया, सो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। और शायद आप लोगों की वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि आप लोगों से मिलना बहुत कम हो पाता है, लेकिन आप लोग म्यूज़िक सुनते हो, पसंद करते हो, नॉमिनेट करते हो। सो एक एयरलिफ्ट अभी आने वाली है फिल्म मेरी, शायद 22 तारीख की रिलीज वो आ रही है। रॉकी हैंडसम एक फिल्म है वो आने वाली है, बाकी कुछ चीज़ों पे मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बट वेरी सून या मैं आप सबको बताऊँगा। इस बुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, दर्द भरी मुस्कान के बारे में, कितने एक्साइटेड हैं? दर्द भरी मुस्कान आप मतलब मेरे साथ जाता है टाइटल जी, आपके गानों में कहीं ना कहीं दर्द हमें मेरे गानों के साथ जाता है यार, मेरे साथ तो नहीं जाता, मैं बहुत मस्ती में रहता हूँ। सो अभी मैंने देखा नहीं है ऑफकोर्स उस बुक को, और टाइटल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई एम श्योर मैं कुछ तो उसको देखना चाहूँगा, कुछ तो पढ़ना चाहूँगा उस बुक के बारे में, तो लुकिंग फॉरवर्ड। या थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं, शूटिंग करते हैं, काम करते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू हम आउटडोर एक स्पोर्ट खेल रहे हैं, वेरी एक्साइटेड ऑल्सो। हाँ क्योंकि एक्टर्स हमेशा एक्टिंग करते हैं, बट एक एक्टर एक स्पोर्ट्स की लाइफ मतलब जी रहा है, मिस कर देते हैं हम, और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और मेहनत लग रही है। हाँ क्योंकि हम शायद ही हम लोग को 3 से 4 घंटे सोने के लिए मिल रहा है, हम शूट करते हैं, शूट के बाद हम प्रैक्टिस करते हैं, तो घर पहुँचते पहुँचते हमें 1-1.5-2 बज जाता है। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से अगर किसी चीज़ को मेहनत करना चाहते हैं तो उसके लिए थकना भी आपको अच्छा लगता है, सो वी आर जेन्युइनली एंजॉयिंग इट एंड हमारी टीम बहुत अच्छी है। सचिन तेंदुलकर।